हेलो हाय, मैं हूँ अमृत मसिन टूल से संजय हरसोरा, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि हम जो मशीन में ट्रायल लेते हैं ना, वो कैसे लेते हैं। आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे मशीन हैं, ये देख सकते हो हमारा फैक्ट्री में, ये पूरी लाइन फैक्ट्री में मशीन ही मशीन है। देखिए थोड़े से मशीन हम बनाते हैं, ये 25-30 हो गए बस, ठीक है। और ये पूरे मशीन हम एक साथ ऐसे ट्रायल लेते हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्री में, बहुत बड़ी फैक्ट्री में आप देख सकते हो, वो ऑटो की फैक्ट्री में पूरी एक लाइन वर्क होती है, ऐसे हम उसको फॉलो करते हैं। और देख सकते हो आप, एक एक मशीन को हम ट्रायल लेते हैं, और ये जो डबल का गियर है उसको भी हम घुमा के इसका ट्रायल लेते हैं। देख सकते हो आप इसका जो फिनिशिंग और ये कैसे घुमा है, आप देख सकते हो, दिख रहा है ये निशान, इसका हम ट्रायल लेते हैं। और सब मशीन को एक एक पर्सनली चेक करते हैं, बाद में ही उसको आगे ओके करके जाने देते हैं। पूरा इसका असेंबलिंग होता है, और एक एक मशीन में ये होल होता है, अपने आप ये होल होता है, यही मशीन में होता है, ठीक है। और बाद में हम कलर करते हैं ना, तो यहाँ पर पूरा ग्रेसिंग करके, ये पूरा ग्राइंडिंग वर्क है, ठीक है। और ये पिलर भी हमारा CI का आता है, CI ग्रेडेड का, पाइप नहीं होता है ये, आप देख सकते हो पाइप नहीं है ये, ठीक है। ये पाइप होता तो आप उसके अंदर एक छोटा सा पाइप होता है, और इतनी जाड़ी मेटल नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ भी आप देख सकते हो पूरा अखंड है, दिखाई दे रहा है ना, अखंड ही है पूरा, ठीक है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो तो हम ये ऐसे ग्राइंडिंग करके भी देते हैं, ये पूरा हमने ग्राइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, इसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, ठीक है। और ये पूरी लाइन है, इसको हम अब कलर में है, ये कलर जैसे ही होता है और बाद का असेंबल शुरू होता है। मैं इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ कि भाई हम कैसे वर्क करते हैं, एक एक मशीन को हम ट्राई लेते हैं, और कैसे हमारा जो फिनिशिंग वर्क है, और क्यों हमारे मशीन में कोई भी मशीन कस्टमर के देने के बाद कोई खराबी नहीं आती है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।